नमस्ते बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए करते हैं। एक क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें कहता है कि डी पैरेलल बीसी है, दो फिगर दिए हुए हैं। तो इसमें एक्चुअली फाइंड करना है फर्स्ट में सीई और इसमें फाइंड करना है एडी, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया, डी पैरेलल बीसी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो जो दो अन्य साइड्स होते हैं उसको समान रेशियो में, यानी कि सेम रेशियो में, समान अनुपात में डिवाइड करता है। तो ये है आपका डी पैरेलल बीसी। सो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पे लिखेंगे बाय बी पी टी थ्योरम। अब देखिए ए डी कितना है, 1.5 अपॉन बी डी कितना है, 3 सेंटीमीटर इक्वल ए ई कितना है, 1 सेंटीमीटर। और ई सी नहीं है तो हम ई सी ही लिख लेंगे, ठीक है, या तो इसको एक समान लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई सी बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 का 3, और चूंकि ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1.5 नीचे आ गया, तो 1.5 तो ये हो गया 30 अपॉन 15। 30 कैसे हुआ, ये पॉइंट हट करके यहाँ 0 लगे, ये हो गया आपका 2 आंसर। तो ई सी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी हमें वही दिया हुआ है कि डी पैरेलल है बीसी। तो डी जब पैरेलल है बीसी तो हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। क्यों, तो लिख देंगे बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि एफ बाई थेल थ्योरम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए डी हमें दिया नहीं है तो वही लिखेंगे, बी डी 7.2 है, 7.2 लिख लेंगे इक्वल ए ई 1.8 है अपॉन ई सी 5.4 है। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ये इधर चला जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2, ठीक है। देखिए एक के पहले पॉइंट है या भी एक के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 3 जा 54 3 हो गया। अब 3 से एक कट गया 24, एक के पहले पॉइंट है तो पॉइंट आ गया, यानी कि 2.4 आंसर आ गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड करते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है कि बताओ कि जो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ओ पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसमें ई एफ पैरेलल क्यू आर है किस कंडीशन में है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें ये बताना है कि किस कंडीशन में ए पी क्यू, यानी कि ये जो एफ ई है, ई एफ और क्यू आर है वो पैरेलल है, तो चेक करना पड़ेगा। देखिए ई एफ और क्यू आर के लिए इसमें जो हमने कन्वर्स ऑफ बी पी टी किया था वो लगा कर देखते हैं। पी ई अगर ये पैरेलल है इसका मतलब है कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन आर एफ, ये बराबर होना चाहिए। तो पी ई कितना दिया हुआ है, 3.9, ई क्यू कितना है 3, पी एफ कितना है 3.6 और आर एफ कितना है 2.4। कट करके देखते हैं दोनों तरफ, एक कट गया 1.3, 12 से 36, 12 दूनी 24, पॉइंट से पॉइंट कट ही गया तो ये हो गया 3/2। ये देखिए ये है आपका 13/10 और यह है 3/2 जो कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ई एफ पैरेलल ई क्यू आर का नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अगर ये
बराबर होता तो पैरेलल होता, क्योंकि हमने 6.2 थ्योरम में देखा है, बीपीटी थ्योरम में हमने देखा है कि ये जब पैरेलल होता है तो पी अपॉन ई क्यू बराबर होता है पी एफ अपॉन एफ आर। अब इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है मैं मिटा देता हूँ। अब इसमें है फिर से वही चेक करना होगा हमें, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई कितना है 4, ई क्यू कितना है या क्यू ई 4.5, पी एफ कितना है 8 और एफ आर कितना है 9। देखिए 4 से 1 9 बजे 45 0.9। अब ये हो गया आपका 10/9 और यह है 8/9। क्या दोनों तरफ इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन में भी ई एफ एज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इस कंडीशन में भी क्यू आर के पैरेलल नहीं है एफ ई एफ, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन आर एफ, पी एफ अपॉन आर एफ लिखे या एफ आर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी ई, पी ई कितना है 0.18, ई क्यू सॉरी इसमें तो है ही नहीं दिया हुआ, पी क्यू पी ई अपॉन पी क्यू ये लिखना पड़ेगा, इसमें जो दिया हुआ यानी कि पी अपॉन पी क्यू है और पी एफ अपॉन पी अपॉन पी क्यू, पी अपॉन पी क्यू और पी एफ अपॉन पी आर, हाँ पी एफ अपॉन पी आर, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है इसमें 0.18, पी क्यू कितना है 1.28, पी एफ कितना है 0.36 और पी आर कितना है 2.56। पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया क्योंकि दो के पहले पॉइंट है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ भी दो के पहले पॉइंट, ये भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ये पॉइंट कैंसिल हुआ है यानी कि ए तो ये 18 अपॉन 128, 36 अपॉन 256। कट करते हैं 2 से 9, 2 से ये हो जाएगा 6, 4, अब तो बस इतना ही रहेगा। अब यहाँ से कट करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 18, 2 से 1 28 वही आ गया ना, फिर 2 से 9, 2 से 64 यानी कि ये आ रहा है 9/64 इक्वल 9/64, ये दोनों इक्वल है, अतः यहाँ पर लिखेंगे कि यस ई एफ पैरेलल क्यू आर, इसमें ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब करते हैं 4, ठीक है। तो देखते हैं पीछे, पहले हमने सेकेंड किया था, अब 3 करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लिया हूँ ताकि टाइम कम लगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो एल एम है वो पैरेलल है, एल एम पैरेलल है बी सी का यानी कि सी बी का, और जो एल एन है एल एन है वो पैरेलल है सी डी का। हमें दिखाना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी होता है, ठीक है, ये दिखाना है। देखिए सारा कुछ क्वेश्चन में ही होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो जो आर्यभट्ट है वो भी नहीं कर पाएंगे। ये सारा कुछ क्वेश्चन में ही, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है और उसी से हमें सोल्व करने होते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी का, और हम जानते हैं कि जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, एक साइड का अगर पैरेलल है किसी ट्रायंगल में तो उसके जो साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनली यानी कि इन द सेम रेशियो, तो ए एम अपॉन ए चूँकि पैरेलल है तो ए एम अपॉन क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी लेना है, यहाँ पे ए बी हो जाएगा इक्वल ए एल अपॉन ए सी करते हैं, ठीक है, ए एल अपॉन ए सी सेम रेशियो में हो गया। अब देखिए दूसरी बात
यहाँ पर हम देखेंगे, ये चूंकि एक्यूमुलर ट्रायंगल है और हम देखे थे कि जो समान कोण त्रिभुज होता है उसमें जो उसके साइड्स होते हैं हमेशा ही सेम रेशियो में होते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक ही एंगल पे दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, ए एम एल और ए बी सी। दूसरी तो ये हो गया फर्स्ट आपका। सेकेंड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल ए ए डी सी, ए डी सी में तो क्या होगा, इसमें जो दिया हुआ है आपका ए लेन पैरेलल डी सी या सी डी, सी डी मान लिया जाए, यहाँ पे सी डी दिया हुआ, सी डी तो क्या होगा, फिर वही जब ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब क्या होगा कि हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी इक्वल एल अपॉन ए सी। और कई बच्चे ये कन्फ्यूज होंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि एम अपॉन बी एम और एल अपॉन एल सी, ऐसा हमने ये भी पढ़ा था एक्यूमुलर जो समान कोण त्रिभुज होते हैं यानी कि संगत कोण अगर बराबर है तो उसके जो साइड होते हैं हमेशा ही प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हमेशा ही सेम रेशियो में होता है। तो यहाँ दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ए एम एल ए बी सी, तो ये दो त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पे, और इसके जो दोनों साइड हैं वो समानुपातिक हो जाएंगे, हमेशा ही होते हैं, इसीलिए ये लीजिए। अब ये जो है फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे लिख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखिए एम अपॉन ए बी बराबर है एल अपॉन एल, सॉरी एल अपॉन ए सी, और यहाँ पर देखेंगे कि ए एन अपॉन ए डी बराबर हुई है एल अपॉन ए सी, तो फर्स्ट और सेकेंड से दोनों चूंकि इसके बराबर है और इसके बराबर भी है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये हो गया आपका एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, आया समझ, हाँ ठीक है। एक बार और देख लो, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन था कि एल एम पैरेलल है बी सी और एल एन पैरेलल है सी डी का, हमें दिखाना था कि ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी। अब हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ए बी सी तो कहता है कि ये और ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है ही तो यहाँ पे ये क्यों होगा, यहाँ लिख देंगे बाई बी पी टी ए बी बाई बी पी टी, बी पी टी थियोरम से ये बराबर हो गया। चलिए तो इसमें देखते हैं फोर्थ, इसमें कहता है डी पैरेलल ए सी है, डी ढूंढो, डी पैरेलल ए सी है, ठीक है, थोड़ा फिगर इधर उधर बन गया है, थोड़ा पैरेलल करके बनाता हूँ, ज़रा लगभग ऐसे है ना, हाँ डी ई पैरेलल किसका है, और यहाँ से हो गया ए, हाँ ठीक है, तो डी ई पैरेलल ए सी है। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल और डी एफ पैरेलल ए ही है, डी एफ पैरेलल ए ही है, तो हमें दिखाना है कि बी एफ बराबर एफ ई और बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे क्या करना है, किस किस ट्रायंगल में दिया हुआ है वही ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल जो डी ई और ए सी है वो किस ट्रायंगल में है, बी ए सी में है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी इसमें क्या है पैरेलल हुआ, डी ई पैरेलल ए सी दिया हुआ है, डी पैरेलल ए सी है, तो जब डी पैरेलल ए सी है तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी इक्वल बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्यों, बाय बी पी टी थ्योरम है ना, हाँ इसको ऐसे करके यहाँ फर्स्ट मान लो। अब हम बात करते हैं दूसरा, डी ए पैरेलल है ए ई, डी ए पैरेलल है ए ई, डी ए पैरेलल क्या है ए ई है, जब डी ए पैरेलल है ए ई का तो क्या हो जाएगा, वही सेम बी डी अपॉन ट्रायंगल लिख देता हूँ यहाँ पे एक मिनट, इन ट्रायंगल बी ए ई, अब इसकी बात कर रहे हैं बी ए ई की, अब इसमें क्या है, इसमें आपका दिया हुआ कि डी एफ पैरेलल है ए ई का, डी एफ ए ई के समांतर है, तो
हमें क्या निकालना है, जब समांतर है ही तो ये हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ए डी इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई या ई एफ, तो बी एफ अपॉन, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ये भी बी पी टी से है, बाय बी पी टी। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको बी डी अपॉन ए डी बराबर बी अपॉन ई सी मिलेगा, और यहाँ भी देखेंगे तो बी डी अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई मिल रहा है, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से ये दोनों बराबर हो गए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर एक चीज़ कोई दूसरे के बराबर हो और दूसरा तीसरा के बराबर हो तो पहला और तीसरा भी बराबर होता है, वही चीज़ है, पहला दूसरे के बराबर है और फिर पहला तीसरे के बराबर भी है ना, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा और तीसरा बराबर होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई, देखिए बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी अपॉन ई सी, वही सेम चीज़ें, या तो आप इधर लिख सकते हैं बी अपॉन एफ ई बराबर बी अपॉन ई सी, दोनों चूँकि एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम आगे करेंगे, तो देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यानी 6.20 में कि डी पैरेलल ओ क्यू है, यहाँ देखिए डी ई पैरेलल क्यू ओ यानी कि ओ क्यू है यहाँ पर, और डी एफ पैरेलल है ओ आर। हमें दिखाना है कि जो ई एफ है वो क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। तो करते हैं, देखते हैं अभी पता चलेगा। अब देखिए किस में डी पैरेलल ओ क्यू है तो ट्रायंगल पी क्यू ओ मिलेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ ई डी पैरेलल है क्यू ओ का, तो इसलिए हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ क्यों हो गया, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, दिस इज द फर्स्ट। अब आगे देखते हैं डी एफ, तो डी एफ जो पैरेलल है वो किसका पैरेलल है, ओ आर का। अब देखिए डी एफ पैरेलल है ओ आर का, किस ट्रायंगल में भाई, ये लिखना पड़ता है कि इन ट्रायंगल पी ओ आर डी ए पैरेलल है ओ आर का, तो जब डी ए पैरेलल ओ आर का है तो ये क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, ये भी क्या है भाई, बी पी टी, क्योंकि थेल्स ने क्या कहा कि एक किसी भी ट्रायंगल के अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हो तो जो दो दूसरे साइड्स हैं उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए पी डी अपॉन डी ओ, यहाँ भी पी डी अपॉन डी ओ, इसके बराबर अगर ये है और इसी के बराबर ये है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि एक बराबर दो और दो बराबर तीन है, तो इसका मतलब है कि एक और तीसरे के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि पहली चीज़ दूसरी के बराबर हो और दूसरी तीसरी के बराबर हो तो पहली और तीसरी बराबर होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी इसके बराबर है और इसके बराबर ये है, यहाँ पर ए और ए दोनों फिर बराबर हो जाएंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से पी अपॉन ई क्यू बराबर हो गया पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब देखिए कि ट्रायंगल की अगर हम बात करें पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, थेल्स थ्योरम के जो विलोम है उल्टा है उसके हिसाब से हमें अगर दो साइड के रेशियो को
सेम रेशियो में अगर बांटा जाए, कोई लाइन अगर सेम रेशियो में बांटे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। सो क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6.21 फिगर है, इसमें एक्चुअली कहता है कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी पैरेलल पी क्यू है और ए सी, ए सी पैरेलल पी आर है, तो हमें दिखाना है कि ये जो बी सी है वो पैरेलल क्यू आर है। तो सेम इसमें भी देखना है कहाँ कहाँ किसका पैरेलल है, किस ट्रायंगल में है, उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। ए बी पैरेलल पी क्यू, देखना है कि ए बी पैरेलल वो कौन सा ट्रायंगल है, ओ पी क्यू, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसी में तो है, ओ पी क्यू में ही तो है, इसके इसके पैरेलल। तो और जब पैरेलल होता है, दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल क्या है, पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन पी ए, पी ए बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू, बी क्यू। ठीक है, उसी तरह से एक चीज और हम देखते हैं अब आगे, ए सी पैरेलल पी आर है, तो ए सी पैरेलल पी आर किस ट्रायंगल में है, ओ पी आर में है ना, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये भी वही लिखना है वाई बी पी टी। ये देखिए ए सी पैरेलल पी आर, तो जब ए सी पैरेलल पी आर है, ये दोनों जब पैरेलल हैं तो क्या होगा, हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, बाय बी पी टी, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, ओ ए अपॉन पी ए इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू, और सेकेंड में क्या है, ओ ए अपॉन पी ए बराबर ओ सी अपॉन सी आर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दूसरे से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो अब देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, ये किस ट्रायंगल में है, ये क्या है, तो यहाँ लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, चूंकि कन्वर्स इसमें लगा देंगे, तो जब कन्वर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी कन्वर्स ऑफ बी पी टी ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर, सो बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ओके, या नहीं तो इतना ना करके आप डायरेक्ट यहीं पे लिखें, क्योंकि इतना मिल गया इसलिए सो बी सी पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके, तो देखिए ये जो है अब हम करेंगे 7 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अच्छा, एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक भुजा की एक भुजा के मध्य बिंदु से मान लिया जाए, तो ये डी है, मान लिया ये पॉइंट डी है, जो कि दिया हुआ है कि
करते हैं, रुको, डी ई यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, डी ई तीसरी वो जगह समांतर खींची जाए और डी ई पैरेलल बी सी खींची गई है और ये भी दिया हुआ है कि ए डी अपॉन बी डी, यानी कि ए डी बराबर है बी डी, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि टू शो दैट ए ई बराबर ई सी समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए, चूँकि डी पैरेलल बी सी है, तो जब डी पैरेलल बी सी है, ठीक है बाबू, डी पैरेलल बी सी है तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, बाई बी पी टी। अब देखिए, बाई बी पी टी, अब यहाँ पर चूँकि ए डी अपॉन बी डी सेम है तो हम लिख देंगे ए डी अपॉन ए डी, लिख सकते हैं क्या, ए डी अपॉन ए डी, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब इधर आ गया ई सी बराबर ए ई, हो गया ना, ए ई बराबर ई सी, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया थेल्स थ्योरम से कि ई सी बराबर ए ई है, अगर ए डी बराबर बी है और ये पैरेलल है तो ए ई बराबर ई सी भी होगा, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन एट, इट मीन्स कि एट, क्वेश्चन नंबर एट उतार लो, चलो एट क्वेश्चन करते हैं, क्या आसान है, कहते हैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यहाँ पर ये बताया गया है कि ए है बी है सी है, ये मान लेते हैं डी ई है, जबकि ये दिया हुआ है कि ए डी अपॉन सॉरी ए डी बराबर बी डी है और एंड ए ई अपॉन ए ई बराबर ई सी है, यानी कि डी ई ऐसी लाइन खींची गई है यहाँ पे, तो हमें दिखाना है टू शो दैट डी ई पैरेलल है किसका, बी सी का। अगर हम देखें यहाँ पे तो ए दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मध्य बिंदु है, तो जैसे ए डी अपॉन बी डी है तो ये बराबर है ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। तो हमें बताना है कि डी पहले लिखना है, हाँ तो ठीक है, इसको ऐसे ही कर दे या फिर कोई लेट करके करे, और ए डी बराबर बी डी है और ए ई बराबर ई सी है, तो वन बराबर वन अगर आ जाएगा तो डी पैरेलल बी सी हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ तो ठीक है, इस सेम रेशियो में तो है, ए डी अपॉन बी डी है और ए ई अपॉन ई सी है, क्वेश्चन में तो यही कह रहा ना, कर प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, पिछली कक्षा में ऐसा, हाँ तो ठीक है, ये हमने 6.2 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने 6.2 करवाया था वैसे करना है, तो ये जैसे ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो चूँकि ए बाई अब यहाँ पे हो जाएगा डी ई पैरेलल बी सी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है, आप एक बार 6.2 थ्योरम देख लेंगे उसके हिसाब से आपको कर लेना है। देखिए ए बी सी डी एक समलंब है
और ये भी पैरेलल डीसी है, तो हमें दिखाना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो पहले एक समलंब बना लें। आ रहा है समलंब बनाने में, पता है कैसे होता है समलंब? ए बी सी डी, ठीक है। ए बी पैरेलल डीसी है, क्या है यहाँ पर? ए बी पैरेलल डीसी दिया हुआ है और इसके जो विकर्ण है ए ओ पर कट करते हैं, तो हमें दिखाना है कि ए ओ बराबर बी ओ और सी ओ बराबर डी ओ। तो इसमें कुछ करते हैं, या तो बी सी से इस पे, यहाँ से बी सी पे कोई लंब डाल लेते हैं, यहाँ से डाल लेते हैं, तो यहाँ से हम सॉरी पैरेलल, तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन कि जो ई ओ है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है। तो देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ई ओ पैरेलल क्या हो गया हमारा? ई ओ पैरेलल हो गया डी सी। तो जब ई ओ पैरेलल डी सी हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा? ए ई अपॉन ए डी बराबर ए ओ, ए ओ अपॉन ओ सी, फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से ए डी बी में इन ट्रायंगल ए डी बी, देखिए ए डी बी ई ओ पैरेलल वही है ए बी, क्यों? क्योंकि ई ओ पैरेलल डी सी है और डी सी पैरेलल ए बी है, इसलिए ए बी पैरेलल ई ओ भी हो जाएगा, तो ई ओ पैरेलल ए बी हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब अगर ई ओ पैरेलल ए बी हो गया तो क्या हो जाएगा? इस सब में वही लगाना है बाई बी पी टी थ्योरम, अभी हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई डी, चूँकि ए और ए पैरेलल है, और डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, क्यों? बाई बी पी टी थ्योरम सेकेंड है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा? देखिए ए अपॉन ई डी ए अपॉन ओ सी, ए अपॉन ई डी डी अपॉन ओ डी ओ बी, तो हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी बराबर डी ओ अपॉन ओ बी, आ गया, वही करना था डी ओ अपॉन ओ बी। यहाँ पे हमें क्या लाना है? देखिए ओ बी अपॉन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए ओ अपॉन बी ओ, अच्छा डी ओ, यहाँ पे क्या था? ए ओ अपॉन ओ सी, और यहाँ पे हो गया आपका इस वाले ट्रायंगल में डी ओ अपॉन ओ बी, हमें ठीक तो है। तो ए ओ अपॉन हमें क्या लाना था? ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन ओ सी और बी ओ अपॉन डी ओ, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उल्टा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, और इस ट्रायंगल में हमने क्या किया है कि ई ओ जो है पैरेलल है ए बी का, तो हमने ले लिया है ए डी बी, ए डी बी, तो ए ई अपॉन ई डी, और ए चूंकि हो गया इधर से लेना था बी ओ अपॉन ओ डी, अगर हम इधर से ले रहे हैं तो इधर से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बी ओ अपॉन ओ डी, तो ये हो जाएगा आपका ए ओ अपॉन ओ सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी। हमने उल्टा ले लिया था ना, ए ई अपॉन ई सी और फिर इधर से ले लिया, नहीं अगर आप ए ई अपॉन ई सी ले रहे हैं तो बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए ओ अपॉन ए, इधर आ जाएगा बी ओ और ए ओ सी चला जाएगा, तो ओ सी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे, ठीक है। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ, ये समलंब चतुर्भुज है, अच्छा यही है सेम चीज़ें कि ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन, ए ओ अपॉन बी ओ है और सी ओ अपॉन
डी ओ है। चलो इसको मैं ये सारे मिटा लेता हूँ, इसी में कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। जैसे बनाना नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए इसमें कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, जिसके विकर्ण ओ पर, ए भी नहीं दिया हुआ, जिसके विकर्ण जो है ओ पर है। इस प्रकार पर जैसे कह देंगे, इसमें दिया हुआ है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ। तो हमें दिखाना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, यानी कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो दिखाते हैं समलंब चतुर्भुज के क्या होना चाहिए। हमें ए पता होना चाहिए, ए बी और डी सी पैरेलल होना चाहिए। तो सेम इसमें क्या करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ, तो ए ओ अपॉन सी ओ, यानी कि इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ऐसे कर लेंगे तो ए ओ अपॉन सी ओ हो जाएगा और बी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन एक कर लेते हैं ए। तो देखिए, चूँकि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ हो गया और बी ओ अपॉन डी ओ हो गया। अब इसमें अगर हम देखें कि जो ई ओ है वो अगर हम पैरेलल मान लेते हैं कि जो ई ओ है वो पैरेलल है डी सी का, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। देखिए ए ओ अपॉन सी ओ दिया हुआ, और उसी तरह से इन ट्रेंगल किस में, ए डी सी में, और उसी तरह से इन ट्रेंगल ए डी बी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हो जाएगा कि ई अपॉन ए डी और ए बराबर है ए ओ अपॉन सॉरी बी ओ अपॉन डी ओ। तो अब यहाँ पे अगर ये बराबर हैं, ये सारे जो हैं हमने ले लिया है और ये चूँकि दिया हुआ था तो ये गिवेन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ई ओ जो है वो पैरेलल है डी सी का और ई ओ पैरेलल है ए बी का, इसीलिए क्या हो गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। तो इसलिए अगर ए बी पैरेलल सी डी है सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी प्रकार को आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, ठीक है, आपको अगर कोई सुझाव देना है तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।